साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म रंग का गाना तुझे ना देखूं तो चैन आज भी अक्सर देखने को मिल जाता है। इस गाने की खूबसूरत लाइनें और दिव्या भारती के अलावा जो सबसे आकर्षक लगता है वो है इस गाने का हीरो। अभिनेता कमल सदाना का परिचय कुछ ऐसा ही मोहताज बनकर रह गया। उनकी शुरुआती शानदार हुई, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद में उनका पूरा परिवार छिन गया। 21 अक्टूबर 1970 को जन्मे इस अभिनेता की जिंदगी उसके 20वें जन्मदिन पर तबाह हो गई। कमल के 20वें जन्मदिन पर उनके पिता ब्रिज सदाना ने उनकी मां और बहन को गोली मार दी थी। कमल सदाना की मां सईदा खान और पिता ब्रिज सदाना के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। कमल के बर्थडे पर भी ऐसा ही हुआ। ब्रिज सदाना ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पहले अपनी पत्नी और फिर बेटी को गोली मार दी। दोनों की उसी जगह पर मौत हो गई, जिसके बाद ब्रिज सदाना ने अपने आप को भी शूट कर लिया। ये सब कमल की आंखों के सामने हुआ, जिससे उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था, जिसके बाद कमल की काउंसलिंग भी की गई थी। हैरत की बात यह है कि कमल को आज तक यह नहीं पता चला कि उनके पिता ने गोली क्यों चलाई थी। फिल्मों से किनारा कर कमल सदाना ने टीवी की तरफ रुख किया और धारावाहिक कसम में भी काम किया। उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। साल 2007 में उन्होंने एक फिल्म कर्कश बनाई। इसके अलावा उन्होंने साल 2014 में रोर बनाई, लेकिन ये भी फ्लॉप रही। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।